My dear students of class 9, welcome back in the 17th video of chemistry chapter number 2, is matter around us pure? Topic yahan hai hamara, how can we obtain pure copper sulfate solution ya pure copper sulfate from an impure sample? Hum pure copper sulfate ko impure copper sulfate ke sample se kaise obtain karenge? To yaad rakhiye ki jab bhi kisi impure sample se pure sample nikalna rahega ya impure sample se pure thing nikalna rahega, tab hum crystallization technique ka use karenge. Aur crystallization technique ek aisa technique hai jisme generally hum jo impure sample se pure sample nikalte hain wo crystal form mein hota hai. Crystal form ka matlab samajhiye, jaise namak jo market se hum lete वो सॉलिड फॉर्म में जनरली जो होता है ना, नमक पिसा हुआ नमक एक सॉलिड फॉर्म में आता है, तो वो एक प्रकार का क्रिस्टल हो गया, सॉलिड फॉर्म ही आप कह सकते हैं. तो हम इम्प्योर सैंपल से अगर प्योर सैंपल सेपरेट करते हैं तो उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें जो प्योर सैंपल आता है या प्योर थिंग आता है वो प्योर थिंग क्रिस्टल फॉर्म में होता है. क्रिस्टल यहाँ सॉलिड फॉर्म में ही हुआ, जिसमें कुछ अमाउंट वाटर का स्टोर्ड होता है. जो आप क्लास 10th में पढ़िएगा, हम उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. चलिए उसके लिए एक्टिविटी देखते हैं कि कैसे हम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट से प्योर कॉपर सल्फेट ऑप्टेन करने जा रहे हैं. पहला पॉइंट है एक्टिविटी का कि हम कुछ अमाउंट में इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट चाइना डिश में रखेंगे. टेक सम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश. चाइना डिश एक छोटा सा बर्तन होता है जो बाहर से विजिबल होता है, जिसको अगर हम हीट भी करें तो वो डिश जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए जनरली चाइना डिश ही ये यूज किया जाता है. तो चाइना डिश में हम क्या किए हैं, इम्प्योर सैंपल लिए कॉपर सल्फेट का. तो इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट का मतलब कि ऐसा कॉपर सल्फेट जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ है. कहाँ रखे हैं उसको, चाइना डिश में. कुछ अमाउंट लिए, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जो भी. फिर सेकेंड पॉइंट, डिजॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक इट सॉल्यूशन. अब जो चाइना डिश में हम इम्प्योर सैंपल रख चुके हैं कॉपर सल्फेट का, उसमें कुछ वाटर ऐड करेंगे ताकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाए. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें कुछ अमाउंट वाटर का डालना पड़ेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. फिर इसके बाद फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट. जो इम्प्योरिटीज होगा उसको फिल्टर पेपर का यूज करके फिल्टर कर लेंगे, इम्प्योरिटीज हट जाएगा. फोर्थ स्टेप में इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें से हम वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, यानी कि हीट करेंगे हम स्लोली. स्लोली हीट करने से वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा. स्लोली हीट करना. क्वेश्चन फिफ्थ है यहाँ पर, फिफ्थ स्टेप, कवर द सॉल्यूशन विथ अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर टू कूल फॉर वन डे. मतलब अब जो हम इवेपोरेट कर चुके हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से वाटर को, तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बच रहा है उसको हम फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे. सॉल्यूशन को किससे कवर कर देंगे, फिल्टर पेपर से. फिल्टर पेपर से ढक देंगे और एक दिन के लिए उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे. हम ना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, अनडिस्टर्ब बिना हिलाए डुलाए छोड़ देंगे. छोड़ देने पर एक दिन के बाद आपको अपने आप कॉपर सल्फेट का प्योर क्रिस्टल मिल जाएगा उस चाइना डिश में. तो बेसिकली हमने क्या क्या किया कि जिस इम्प्योरिटी से कुछ प्योर चीज़ निकालना है उस इम्प्योर सैंपल को हम चाइना डिश में रखें, और इसके बाद कुछ पानी मिलाए ताकि सॉल्यूशन बन जाए. फिर फिल्टर पेपर का यूज़ करके इम्प्योरिटीज़ को छान लिए. फिर हम उसको हीट किए, हल्का हल्का हीट किए ताकि वाटर इवेपोरेट हो जाए. अब इसके बाद वाटर इवेपोरेट होने के बाद अब जो बचेगा वो होमोजेनियस रहेगा, एक्चुअली समझिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा, उसमें ना ज़्यादा कम अमाउंट में वाटर ना कम अमाउंट में वाटर, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, तो अब हम उस सॉल्यूशन को कवर कर देंगे फिल्टर पेपर से और एक दिन के लिए रूम टेम्परेचर पर ही ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए. अपने आप वो प्योर क्रिस्टल बन जाएगा, क्योंकि सारा इम्प्योरिटीज एक तो यहाँ फिल्टर पेपर से हट चुका था और दूसरा इवेपोरेशन के माध्यम से भी हट चुका था. तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. मैंने बताया क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कि एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जो सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब इम्प्योर सॉलिड से प्योर सॉलिड निकालने के लिए किया जाता है. तो आपसे पूछेगा प्योर सॉलिड किस फॉर्म में आता है, तो आपका आंसर होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के, बहुत सारे एग्जाम्पल है. जैसे अगर हम सी से साल्ट निकालते हैं तो
उस वो सॉल्ट में काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, तो सारे इम्प्योरिटीज़ को हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से ही सेपरेट करते हैं। तो प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से होता है। एलम जिसको हम लोग फिटकिरी कहते हैं, तो एलम में भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज होता है, सारे इम्प्योरिटीज को हटाने का काम इसी टेक्निक से किया जाता है। तो अगर हम एलम का प्योरिफिकेशन करते हैं या साल्ट का प्योरिफिकेशन करते हैं या कॉपर सल्फेट का प्योरिफिकेशन करते हैं, किसी भी सॉलिड का प्योरिफिकेशन करते हैं हम, तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक ही बेटर टेक्निक होता है, इसी टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो।